नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को ये कहते हुए हटा दिया कि वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। आपको बता दें कि इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ भारत ने कनाडा को तुरंत जवाब देते हुए कनाडा के वरिष्ठ डिप्लोमेट को निष्कासित करने का ऐलान किया और कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया। उसके बाद कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर, मणिपुर और असम जैसी जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई। जिसके बाद भारत ने भी कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। यानी भारत कनाडा को हर बात का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब कनाडा को भारत के हर पलटवार का अंदाजा हुआ तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वो भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको यहां यह भी बताना जरूरी है कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। एनआईए ने 40 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कनाडा और भारत के बीच इस विवाद का कारण क्या है। दरअसल कनाडा सरकार अपनी कमजोर स्थिति को खालिस्तानी समर्थकों के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें हैं जिसमें से बहुमत के लिए 170 सीटें होनी जरूरी हैं, जबकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास केवल 158 सीटें हैं। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है उसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके नेता हैं जगमीत सिंह। उनके पास 24 सांसद हैं और वो भी खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत के राज्य पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। इसी पार्टी के सहयोग से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने अपने एक बयान के साथ अपने खालिस्तानी प्रेम को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। ट्रूडो जो खुद को खालिस्तानियों का लवर बॉय साबित करने पर तुले हुए हैं वो शायद उस आतंकी हमले को भूल गए जिसमें 200 से ज्यादा कनाडाई नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला खालिस्तानियों ने ही अंजाम दिया था। यह कनाडा के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला था। 25 जून 1985 को एक फ्लाइट में अचानक ब्लास्ट हो गया था। फ्लाइट में 329 लोग सवार थे जिसमें से 280 कनाडा के नागरिक थे। हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इन हमलों का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार था। साल 2003 में उसे इसी दोष के लिए दोषी ठहराया गया था। बमों को फ्लाइट में लगाने के जुर्म में उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे हमले की साजिश सन 1984 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुए एक सम्मेलन के दौरान तैयार कर ली गई थी। 2 दशक तक चली इस हमले की जांच पर करीब $150 मिलियन खर्च हुए थे। यह कनाडा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी जांच साबित हुई थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कभी खालिस्तानी जसवंत सिंह अटवाल के साथ डिनर करते हुए नजर आते हैं तो कभी दूसरे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह, जिनकी बदौलत आज ट्रूडो पीएम बने हैं और जिनकी बदौलत उनकी सरकार चल रही है, उन्होंने तो उस हमले में शामिल लोगों की निंदा करने से भी इनकार कर दिया था। अब भारत और कनाडा के बीच यह विवाद कब तक जारी रहेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।